गुड़ इज़ फुल ऑफ आयरन, तो आपकी सेहत को वो और भी न्यूट्रिशंस देता है। इसमें जो भी हम सामान डालते हैं, बादाम, गोंद, काले मिर्च, ये सब अपने स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत पौष्टिक तत्व हैं सब इसमें। जैगरी इज नोन टू बी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड इंक्रीज हेमोग्लोबिन, सो दैट्स वन ऑफ द अदर रीजंस आई प्रेफर हैविंग गुड़ का चूरमा, बिकॉज इट्स फिलिंग, इट टेक्स केयर ऑफ सर्टेन अदर हेल्थ एस्पेक्ट्स। मेरी नानी दादी सब बनाती थी, मेरी मदर इन लॉ भी बनाती थी। बनाने के बाद जब सब इंजॉय करते हैं तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। Like, you know, they say some of the food, it doesn't go to your stomach, it goes to your heart. It's one of those things for me. एक परात में आटा लेकर उसमें घी थोड़ा गरम करके डालेंगे, 125 ग्राम थोड़ा गरम पानी लेकर उसको थाप देंगे, थाप कर उसको ढक देंगे एक चलनी से आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद में अब आटे की मोटी चलनी से छानेंगे, छान करके उसे सेकना है। 125 ग्राम घी लेकर के आटा डालेंगे कढ़ाई में और इसे सेकेंगे। लास्ट में भी अगर कुछ गांठें बच जाएं तो किसी भी वस्तु को लेके उन गांठों को फोड़ लेना है। पूरा अपना गेहूं सिक जाता है तो गेहूं निकाल लें और गुड़ में थोड़ा पानी डालकर एक तार की चाशनी बना लें। ठंडा थोड़ा हो जाता है तो उसमें गुड़ भी थोड़ा मोटा होता जाएगा। अब इसमें गेहूं का आटा जो सेक के रखा है डालकर पूरा मिक्स कर लें। बादाम, गोंद, काले मिर्च सबको अलग कढ़ाई में फ्राई करके इसमें मिक्स कर लें। अब इसे हल्का ठंडा होने दें। यह चूरमा अब खाने के लिए तैयार है।